नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने रविवार शाम को फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। उदयनिधि ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने बयान पर कायम है, लोगों ने इसे बेवजह नरसंहार से जोड़ा है। शनिवार को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमिल मालवीय ने उदयनिधि के बयान को नरसंहार के लिए उकसाने वाला बताया था, जिसके बाद उदयनिधि ने कहा पीएम मोदी भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहाँ स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी दी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।